ओके गाइस, तो जानते हैं सेंटेंस रिमेम्बर क्या है और ये वीडियो क्यों बनाई मैंने। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि बहुत से मेरे जो व्यूवर्स हैं या बहुत से लोगों का एक डाउट होता है कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें ये याद नहीं रहता कि हमें कौन सा वर्ड इस समय यूज़ करना है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे आप कितनी भी ग्रामर सीख ले। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था अच्छे से याद कर ले, लेकिन एक शॉर्टकट जब तक आप याद नहीं रखेंगे उस टाइप के सेंटेंसेस को बोलने का, जब तक आप कंफ्यूज होंगे उसे किस प्रकार से बनाना है। तो आइए इसी के बारे में हम जानते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ये सारी वीडियो उन लोगों ने देखी होंगी। ओके, तो ये उन सभी टॉपिक्स का एक शॉर्टकट वीडियो है जो जिसमें मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं और कुछ वर्ड्स लिए हैं जो कि काफ़ी मुश्किल पैदा करते हैं बोलने में। तो आइए पहले वर्ड्स देखते हैं। देखिए, एज मतलब जैसा, एज इफ या एज दो, मानो की या मानो, या मानो की या जैसे, एज सून एज जैसे ही, वैसे ही, जो ही, त्यों ही, एज फार एज जहाँ तक, एज वेल एज साथ ही साथ, एज मच एज जितना उतना, एज लॉन्ग एज जब तक, हाउ फार डिस्टेंस मतलब दूरी के लिए। और इनके एग्जाम्पल दूंगा जो कि आप लोगों को याद रह सके। ओके, हाउ लॉन्ग, ड्यूरेशन या लेंथ, समय पता लगाने के लिए। ओके, हाउ ऑफन कब कब, हाउ मैनी कितना संख्या का पता लगाने के लिए, और हाउ मच कितना मात्रा का पता लगाने के लिए। हाउ एवर कितना भी, कितना ही चाहे, चाहे कितना ही, चाहे कितना लेकिन के लिए हम हाउ एवर का यूज़ करेंगे। एबल टू का यूज़ करेंगे कुछ कर लेना, पाना, समझ होना के रूप में। वट एवर का यूज़ करेंगे जो जो भी, जो कुछ, जो भी हो। वेयर एवर का यूज़ करेंगे जहाँ भी, जहाँ कहीं भी के रूप में। वेयर इज का यूज़ करेंगे जहाँ तक या जबकि। Therefore का यूज करेंगे इस कारण या इसलिए के रूप में। तो आइए अब शुरू करते हैं, एक एक वर्ड को देखते हैं और जानते हैं उनके सेंटेंसेस को जो कि हमें याद रह सके। ओके, तो सबसे पहला वर्ड है एज। एज मतलब जैसा, इसका सेंटेंसेस देखते हैं। एज आई हैव सीन यू लव हर, जैसा मैंने देखा है आप उससे प्यार करते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं एज से। ओके, देखिए, एज आई हैव सीन डैट यू लव हर, जैसा कि मैंने देखा है कि आप उससे प्यार करते हैं। एज ही सेड मी आई डिड द सेम, जैसा कि उसने मुझे कहा मैंने वही किया। एज ही सेड मी आई डिड द सेम, जैसा कि उसने मुझे कहा था मैंने वही किया। इंग्लिश ज्ञान चैनल के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ओके, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो अब एज इफ या एज दो का यूज करते हैं। इन दोनों में मैं आपको बता दूं इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। इनका यूज हम करते हैं मानो की, मानो या जैसे की, या जैसे के रूप में। कंडीशन मतलब हालत या सपोजिंग, कल्पना के रूप में करेंगे इनका इस्तेमाल। देखिए एग्जांपल, ही स्पीक्स एज इफ ही वर एन एक्सपर्ट, वह बोलता है जैसे कि वह एक विशेषज्ञ हो, मतलब एक माहिर हो। ओके, एक्सपर्ट हो। द चाइल्ड टॉक्स एज इफ ही वर अ मैन, बच्चा बात करता है जैसे वह एक आदमी हो, यहाँ पर कल्पना की जा रही है। He talks as if he were my boss, वह इस तरह बात करता है जैसे मेरा बॉस हो। He acts as if he were a king, वह ऐसे करता है जैसे वह राजा हो। तो आप as if या as दो किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों का यूज भी सेम है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं as soon as के बारे में। इसका यूज करेंगे हम जैसे ही, वैसे ही, या जो ही, क्यों ही। As soon as the ball rang, sorry, the bell rang, the students entered the classroom.
जैसे ही घंटी बजी विद्यार्थियों ने कक्षा में प्रवेश किया, मतलब जैसे ही घंटी बजी विद्यार्थियों ने कक्षा में वैसे ही प्रवेश किया, ओके। एज सून एज द टीचर केम इन द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप, जैसे ही अध्यापक कक्षा में आया विद्यार्थी खड़े हो गए। देखिए, एज सून एज द टीचर स्टार्टेड टीचिंग द स्टूडेंट्स ओपन्ड देयर बुक्स, जैसे ही अध्यापक ने पढ़ाना शुरू किया छात्रों ने अपनी किताबें खोल ली। एज सून एज द फाइनल बेल रैंग द स्टूडेंट्स पैक देयर बैग्स, जैसे ही अंतिम घंटी बजी छात्रों ने अपना बैग पैक किया। नेक्स्ट हम जानते हैं एज फार एज, जहां तक के रूप में इसका यूज करेंगे। देखिए, एज फार एज आई नो ही इज गिल्टी, जहां तक मुझे पता है वह दोषी है। एज फार एज आई नो ही इजंट लेजी, जहां तक मुझे पता है वह आलसी नहीं है। आई किक्ड द बॉल एज फार एज आई कुड, जहां तक मैं कर सकता था मैंने गेंद को लात मारी। एज फार एज आई कुड आई किक्ड द बॉल, आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। एज फार एज आई रिमेंबर ही डिडंट से डैट, जहां तक मुझे याद है उसने ऐसा नहीं कहा था। अब जानते हैं एज वेल एज के बारे में, साथ ही साथ। सी इज स्मार्ट एज वेल एज ब्यूटीफुल, वह चतुर और सुंदर भी है। ही इज रिच एज वेल एज काइंड, वह पैसे वाला है साथ ही साथ दयालु भी है। ही इज एन एक्टर एज वेल एज डायरेक्टर, वह एक अभिनेता है साथ ही साथ निर्देशक भी है। यू आर माई गर्लफ्रेंड एज वेल एज माई लव, आप मेरी प्रेमिका है साथ ही साथ मेरा प्यार। अब हम जानते हैं एज मच एज का यूज, जितना उतना। He spends as much as he earns, वह जितना कमाता है उतना खर्च करता है। I want to help Manoj as much as I can, मैं जितना कर सकता हूँ उतना मनोज की मदद करना चाहता हूँ। Take as much as you like, जितना चाहे उतना लो। I do not love her as much as I used to, मैं उससे उतना प्यार नहीं करता जितना मैं करता था। अब जानते हैं as long as, जब तक। As long as we can do this, we will do, जब तक हम यह कर सकते हैं हम करेंगे। As long as we can fight, we will fight, जब तक हम लड़ सकते हैं हम लड़ेंगे। As long as we should help you, we will help, जब तक हमें आपकी मदद करनी चाहिए हम मदद करेंगे। As long as you love me, I will love you, जब तक आप मुझसे प्यार करते हैं तब तक मैं आपको प्यार करूंगा। तो इनकी स्ट्रक्चर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता ही होंगे, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, ओके। या तो आप इंग्लिश ज्ञान चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ एकदम बेसिक से आपको स्ट्रक्चर के साथ हर चीज़ बताई जाएगी, ओके। देखिए, हाउ फार डिस्टेंस, मतलब दूरी का पता लगाने के लिए। हाउ फार
इज योर होम फ्रॉम ऑफिस, कार्यालय से आपका घर कितनी दूर है। हाउ फार विल यू ड्राइव, आप कितनी दूर ड्राइव करेंगे। हाउ फार आर यू गोइंग फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से कितनी दूर जा रहे हो। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग, ड्यूरेशन या लेंथ, समय का पता लगाने के लिए। ओके, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, आप वहाँ कितनी देर रुके। हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू वेट, मुझे कब तक इंतजार करना है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, आप यहाँ कब तक रुकेंगे। नेक्स्ट है, हाउ ऑफन, कितनी बार या कब कब। हाउ ऑफन डू यू वॉच टेलीविजन, आप कितनी बार आप टीवी देखते हैं। हाउ ऑफन विल यू गो देयर, आप कितनी बार वहां जाएंगे। हाउ ऑफन शुड आई रिपीट दिस टॉपिक, मुझे इस विषय को कितनी बार दोहराना चाहिए। नेक्स्ट हम जानते हैं अब हाउ मैनी, संख्या का पता लगाने के लिए। देखिए, हाउ मैनी बुक्स डू दे हैव, उनके पास कितनी किताबें हैं। हाउ मैनी बुक्स डू यू नीड, आपको कितनी किताबों की जरूरत है। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई और बहन हैं। नेक्स्ट, हाउ मच, मात्रा का पता लगाने के लिए। हाउ मच इज द प्राइस ऑफ दिस कैमरा, इस कैमरे की कीमत कितनी है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बाइक, आपने अपनी बाइक पर कितना पैसा खर्च किया। हाउ मच time do you spend on WhatsApp and Facebook, आप WhatsApp और Facebook पर कितना समय व्यतीत करते हैं। How much do you feed your cat, आप अपनी बिल्ली को कितना खिलाते हैं। Next, अब हम जानते हैं however के बारे में। Okay, तो हम however का use करेंगे, कितना ही चाहे कितना या लेकिन के रूप में। आइए देखते हैं एग्जांपल। मनोज हैज मनी, हाउएवर ही इज नॉट हैप्पी, मनोज के पास पैसे हैं लेकिन वह खुश नहीं है। मतलब मनोज के पास कितना भी पैसा है लेकिन वह खुश नहीं है। ओके, इस प्रकार से आप जान सकते हैं, चाहे कितना ही पैसा है वह खुश नहीं है मनोज, इस प्रकार से भी। तो इन सब चीज़ों से मत घबराया करिए, इसे समझने की ज़रूरत होती है बस आपको। ओके, इट इज रेनिंग, हाउएवर दे आर स्टिल गोइंग ऑन देयर स्कूल, बारिश हो रही है हालांकि वे अभी भी अपने स्कूल में जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, बारिश हो रही है तब भी वे अपने स्कूल में जा रहे हैं। ओके, चाहे कितनी भी बारिश हो रही है वे फिर भी अपने स्कूल में जा रहे हैं। बारिश हो रही है लेकिन वे अभी भी अपने स्कूल में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये अलग से एग्जांपल्स दिए। इन सब के लिए भी इंग्लिश यही रहती, हाउएवर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन सब चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत होती है सिर्फ। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। यू वर राइट अबाउट मैनी थिंग्स, However, you have made some errors. आप कई चीजों के बारे में सही थे लेकिन आपने कुछ गलतियां की। I will try. However, I am not an expert. मैं कोशिश करूंगा हालांकि मैं एक माहिर नहीं हूं। माहिर मतलब expert, विशेषज्ञ भी कहते हैं हिंदी में expert को। Okay?
जो किसी चीज में माहिर हो। नेक्स्ट हम जानते हैं एबल टू का यूज। एबल टू का यूज करते हैं हम कुछ कर लेना पाना या समझ पाना के रूप में। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ, अब आप अंग्रेजी बोल पाते हैं। ही इज नॉट एबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठने में समझ नहीं है, मतलब वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है। ही इज नॉट एबल टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, वह इस प्रकार का काम कर नहीं पाता है या वह इस प्रकार का काम नहीं कर, मतलब कि करने में समझ नहीं है। ओके, आई वॉज हार्डली एबल टू अंडरस्टैंड फ्रेंच, मैं फ्रेंच मुश्किल से समझ पाता था। आप एबल टू का यूज कैन के रूप में भी कर सकते हैं या कैन का यूज भी कर सकते हैं। ओके, ही वॉज अनएबल टू रीड दिस बुक, वह इस पुस्तक को पढ़ने में असमर्थ था। अनेबल मतलब असमर्थ, कुछ भी करने में असमर्थ होना। ओके, आई वॉज अनएबल टू मीट सुनीता, मैं सुनीता से नहीं मिल पाया। अब हम जानते हैं वट एवर का यूज, जो जो भी, जो कुछ या जो भी हो। आस्क वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप चाहते हैं उसे पूछे। टेल मी वट एवर यू वॉन्ट, मुझे बताओ जो कुछ भी आप चाहते हैं। बाय वट एवर यू नीड, खरीदे जो कुछ भी आप, आपकी जरूरत है। डू वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप चाहते हैं उसे करो। ईट वट एवर यू लाइक, खा लो जो भी आपको पसंद है। रीड वट एवर यू लाइक, पढ़े जो भी आपको पसंद है। वियर वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप चाहते हैं पहने। टेक वट एवर यू नीड, आपको जो भी जरूरत है उसे ले लो। नेक्स्ट देखते हैं वेयर आवर। वेयर आवर का यूज करेंगे जहां भी, जहां कहीं भी, कहीं भी के रूप में। डू नॉट फॉरगेट वेयर आवर यू डू दिस, जहां भी आप ऐसा करते हैं ये मत भूलना। आई विल टेल यू वेयर एवर यू वॉन्ट टू नो, जहां भी आप जानना चाहते हैं वहां मैं आपको बताऊंगा। यू शुड डू दिस वर्क, सॉरी, यू शुड डू दिस वेर एवर यू फाइंड हैप्पीनेस, आपको ऐसा करना चाहिए जहां कहीं भी आपको खुशी मिलती है। लेट हिम गो वेर एवर ही वॉन्ट्स टू गो, उसे जाने दो वह जहां भी जाना चाहता है। लास्ट हम जानते हैं देयर फोर का यूज, इस कारण या इसलिए। हिज कार वॉज बिगर एंड देयर फोर मोर कंफर्टेबल, उसकी कार बड़ी थी और इसलिए अधिक आरामदायक थी। गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयर फोर ही मेड मदर्स, भगवान हर जगह नहीं हो सका और इसलिए उसने माँ को बनाया।